गाइस, तो आज फाइनली मेरी ट्रैक्सिस XR TRC कार आने वाली है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ट्रैक्सिस XMAX की टक्कर वाली कार खरीदने के लिए, तो फाइनली मैंने खरीद लिया। ट्रैक्सिस XMAX जितनी ये पावरफुल होती है, इसका साइज भी ट्रैक्सिस XMAX से भी ज्यादा बड़ा मेरे को लग रहा है। तो एक और चीज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ये सारी कार्स मैं किस तरह से खरीदता हूँ और कहाँ से खरीदता हूँ, चलो पहले वो आपको बताऊंगा। तो ये रही ट्रैक्सिस XRT, मैंने इसको खरीदा था ये वेबसाइट से hobbycentral.co.in बोलकर। ये रही ट्रैक्सिस XRT 8S Extreme, इसका प्राइस देखो यार 1,40,000 रुपए है। मैंने इसको 10 से 12 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो यार ये कार जो ना बहुत महंगी होती है, इसलिए आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है प्री ऑर्डर बोलकर। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करोगे तो देखो यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट नहीं होगा, पहले आपको ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप ये पहले प्री ऑर्डर करते हो तो यार आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो प्री ऑर्डर करने के लिए। तो पहले इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा महंगी है और ऊपर से ये इंडिया में मिलती नहीं है। तो आप जैसे ही प्री ऑर्डर करते हो तो ये लोग आपको मंगवा के दे देंगे। ये सिर्फ कार का प्राइस है गाइस, कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, फिर आपको बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। तो तकरीबन आपको 1,50,000 के ऊपर जा सकता है ट्रैक्सिस XRT का प्राइस। एक कार ट्रैक्सिस XMAX के टक्कर वाली होने वाली है, देखते हैं गाइस आज ये कार को कंपेयर करके ट्रैक्सिस XMAX के साथ। तो अभी तक मेरे को कुरियर वाले ने फोन नहीं किया है, मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ। तो फाइनली 12 दिनों के बाद अपनी XRT आ चुकी है, अभी मैं कुरियर वाले के पास जा रहा हूँ XRT पिकअप करने के लिए। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा ट्रक खड़ा है, अपनी XRT इस ट्रक के अंदर है, क्योंकि यार कार काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो ये लोग इतने बड़े ट्रक में इसको डाल के लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पे शायद अपना ही बॉक्स है। हाँ गाइस, मेरा ही बॉक्स है। अरे भाई साहब, काफी ज्यादा बड़े साइज का बॉक्स है यार। तो मेरे भाई ने इसको ले लिया है, तो चलो गाइस अभी चलते हैं घर पर इसको अनबॉक्स करने के लिए। तो गाइस आ चुका हूँ मैं घर को ये बॉक्स लेकर। ये देखो छुट्टू मेरे पीछे पीछे आ गया, इसको पता चल गया कि यार मैं आज एक नई कार लेके आया हूँ। तो भाई आजा, तू भी अनबॉक्स करेंगे साथ में। तो भाई बॉक्स बहुत ज्यादा भारी भरकम है यार इसका, यहाँ से मैं इसको कट करूंगा। गाइज आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स होता है, तो उसको भी निकालते हैं अभी, शायद ये यहाँ से खुल जाएगा। देखो मैं इसको कट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से दिख रहा है अपना XRT का बॉक्स, अभी इसको निकालते हैं ये वाले बॉक्स के अंदर से। अब होगी यहाँ पे बहुत बड़ी महाभारत, क्योंकि गाइस 2-3 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है इसको निकालने के लिए। भाई जरा कस के पकड़, नहीं निकल रहा ये, शायद ये बॉक्स फाड़ना पड़ेगा गाइस पूरा। यहाँ से इसको फाड़ देते हैं। हो गया, आ चुका है हमारा XRT का बॉक्स। बॉक्स का साइज देख लो यार, ओ माय गॉड, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके अंदर इतना बड़ा बॉक्स निकलेगा। अपनी XRT जो है ऐसी दिखाई देगी, ये काफी ज्यादा वाइड होती है यार, XMAX से भी ज्यादा वाइड होती है। देख लो कितनी ज्यादा चौड़ी नजर आ रही है। 8S है, 30+ वोल्ट है, 60 miles per hour की इसके अंदर स्पीड दी गई है गाइस। इसके अंदर एक गियर दिया जाता है, वो गियर डालने के बाद इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती है, और अपग्रेड करेंगे तो गाइस इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। तो ये है हमारे XMAX का बॉक्स। दोनों के बॉक्सेस देखो यार बिल्कुल सेम साइज के हैं। बाकी देखते हैं गाइस दोनों को बॉक्स के अंदर से निकाल के दोनों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, अब निकालते हैं XRT को बॉक्स के अंदर से बाहर। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, तो इसके अंदर भी व्हीली बार दिया जाता है, देख लो काफी बड़े साइज का व्हीली बार है। तो अब इसको निकालने वाला हूं मैं यहाँ से। ओ माय गॉड, इसके तो व्हील्स निकले हुए यार, इस वजह से मेरे को लग रहा था कि इसका बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। तो रीजन आप देख सकते हो, XMAX के जो व्हील्स है ऑलरेडी फिट होके आते हैं, पर इसके व्हील्स देख लो अलग अलग दिए गए, और व्हील्स भी भाई काफी ज्यादा हेवी, काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं। मेरे को रिमोट दिखाई नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर, जैसे कि हर एक ट्रैक्सिस कार के अंदर मिलता है, बिल्कुल उसी तरह का रिमोट है। TQI इसके अंदर भी दिया गया है। यहाँ पे देखो ट्रैक्सिस 2.4 GHz बोल के दिया गया है, लिंक इनेबल्ड भी है कम्प्लीटली, और कार को अपग्रेड भी कर सकते हैं हम लोग ये रिमोट से। ठीक है गाइस, ये व्हील्स को रखते हैं साइड में। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें दी गई है। ये पन्नी को मैं हटा देता हूँ। ओ माई गॉड, इसका कलर काफी ज्यादा सही मेरे को लग रहा है यार। यहाँ पे नीचे कुछ तो है,
अच्छा, जो ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के अंदर चीजें मिली थी उसी तरह की चीजें इसके अंदर भी मेरे को लग रही है। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा गियर दिया गया है। ये गियर को हम लोग जैसे ही लगाएंगे तो यार इसकी टॉप स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ स्पैनर वगैरह भी दिए गए इसके साथ, ट्रैक्सेस, यहाँ पे इसके वारंटी कार्ड्स है, यूजर मैनुअल भी इसके अंदर दी गई है। तो अब लगाते हैं इसके व्हील्स, फटाफट से व्हील्स को निकाल लेते हैं कवर के अंदर से बाहर। एक बार व्हील्स की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब देखो यार, ये ज्यादा फ्लफी नहीं है यार, इसके अंदर ज्यादा एयर नहीं डाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्स मैक्स के व्हील्स के ऊपर जो है बहुत बड़ी बड़ी ग्रिप दी जाती है, इसके अंदर ग्रिप थोड़ी सी कम है पर बहुत नजदीक नजदीक ग्रिप दी गई है। मेरे को लग रहा है ये व्हील जो है ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के ऊपर भी आराम से फिट हो जाएगा। ये व्हील इस तरफ लगा दूंगा मैं। इसके अंदर देख, यहाँ पे इसका स्पैनर दिया गया है व्हील्स को कसने के लिए, और ये इसके कुछ नट्स है, नट्स भी ग्रीन कलर में दिए गए हैं। तो व्हील यहाँ पे फिट कर देते हैं गाइस। बहुत ज्यादा टाइट कसना पड़ता है क्योंकि आपको पता होगा ये कार्स की स्पीड कितनी ज्यादा होती है, वरना व्हील निकल के भी आ सकता है बाहर। या ओके भाई, कस दिया मैंने चारों के चारों व्हील्स। ओके गाइस, सभी व्हील्स को मैंने कस दिया है पूरी तरीके से। अब देखो यार ये कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी एक मैसिव बीस्ट लग रही है यार। ये तो इतनी ज्यादा बड़ी क्यों दिख रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दिया गया है, बिल्कुल स्लेट जैसा ही, पर आपको एक्स मैक्स के अंदर बिल्कुल भी ये वाली चीज नजर नहीं आएगी। बाकी यहाँ से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। एक चीज इसके अंदर मेरे को काफी सही लगी यार, जो कि एक्स मैक्स में देखने को नहीं मिलती है, ऊपर की तरफ एयर इनटेक दिया गया है ताकि इसके अंदर के पार्ट जो है ठंडे रह सके। सामने की तरफ भी देख लो गाइस, यहां पे भी एक बहुत बड़ा एयर इनटेक दिया गया है। ये बम्पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अगर कोई चीज इससे टकरा भी जाती है तो गाइस ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, सामने वाली चीज को ये तोड़ के रख देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चैसिस प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई है। और ये इसके आर्म्स देखो यार कितने ज्यादा बड़े साइज के हैं, और इसके शॉक एब्जॉर्बर देखो गाइस ये भी ग्रीन कलर के इसके अंदर लगाए गए हैं। एक्स मैक्स से भी ज्यादा बड़े शॉक्स इसके अंदर मेरे को लग रहे हैं। तो इस तरफ से भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे XRD की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे ट्रैक्सेस की ब्रांडिंग दी गई है, इसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स भी मिलते हैं, वो स्टिकर्स भी मैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में चिपकाने वाला हूँ। तो फटाफट से इसको एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन से पार्ट्स है। यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। सामने की तरफ भी दो क्लिप्स इसके अंदर दिए गए हैं, देखो बहुत आसानी से इसका कवर निकल जाता है। तो यहाँ पे इसकी बैटरीज लग जाएंगी, इसके अंदर भी एक्स मैक्स के जैसे ही 4S की दो बैटरीज डालनी पड़ती है, या फिर आप इसे एक बैटरी से भी चला सकते हो। ये रही इसकी बैटरी, एकदम ब्रांड न्यू बैटरीज भी मैंने खरीद रखी है। एक बैटरी आ जाएगी यहाँ पे, दूसरी बैटरी आ जाएगी यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर से इस तरह से फिट भी हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस कर रखी यार, वो यहाँ पे देख लो, इसके मोटर के ऊपर दो दो कूलिंग फैंस दिए गए। यहाँ पे वेल्यूनॉन आपको दिख रहा होगा, पर एक्स मैक्स के ऊपर आपको सिंगल कूलिंग फैन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ पे भी एक फैन है, इस तरफ भी एक फैन दिया गया है। VXL8 इसका एक ESC भी इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, और इसका शाफ्ट देखो भाई कितना ज्यादा मोटा दिया गया है। बाकी दिखने में कार एक नंबर है। ओके, अब इसको ऑन करते हैं, यहां से ऑन कर दिया गाइस। देखो एकदम खतरनाक सी साउंड आ रही है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तीन तीन कूलिंग फैन है। यहाँ पे दो कूलिंग फैन है, यहाँ पे कूलिंग फैन दिया गया है। तो पहले स्टीयरिंग को चेक कर लेते हैं गाइस। स्टीयरिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से इसकी काम कर रही है, देखो यार पूरा का पूरा टेबल हिल रहा है, ये इतनी ज्यादा पावर है इसके अंदर। तो अब इसको एक बार उठा के चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ओ भाई, तो पावर तो इसके अंदर बहुत ही खतरनाक लग रही है। बाकी इसको टेस्ट करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इसको एक्स मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं गाइस। सच में यार इसकी हाइट XRD से बहुत ज्यादा दी गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर RC कार है। तो सबसे पहले बम्पर से कंपेरिजन करते हैं। इसका बम्पर काफी ऊपर की तरफ है, और इसका बम्पर काफी ज्यादा बड़े साइज का भी है। इसके ऊपर आप देख सकते हो गाइस कितने ज्यादा स्क्रैचेस लग चुके हैं, क्योंकि यार इसको मैंने बहुत ही भयंकर तरीके से टेस्ट किया है। आज भी भाई एकदम ये परफेक्ट तरीके से चल रही है। बाकी व्हील्स के बारे में बात करें तो इसके देखो यार काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं, और इसके ऊपर इस तरह के बटन्स दिए गए। इसके व्हील्स देखो सेम साइज के ही मेरे को लग रहे हैं, पर इसके ऊपर बटन्स थोड़े से कम दिए। बम्पर की बात करूं तो इसका बम्पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप दिया गया है। बाकी देखते हैं टक्कर वक्कर कराने पर ये बम्पर टिक पाता है या नहीं। ओवरऑल ये जो XRD है काफी ज्यादा वाइड है, यहाँ पे देख लो गाइस, ये जो है इतनी ज्यादा चौड़ी है। अब ये देख लो गाइस, ये इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ इसकी हाइट ज्यादा दी गई है। बाकी दोनों के सस्पेंशन आप देख सकते हो, काफी ज्यादा हैवी क्वालिटी वाले सस्पेंशन दिए गए। इसके अंदर रेड कलर के सस्पेंशन मिलते हैं, इसके अंदर जो है ग्रीन कलर के सस्पेंशन दिए गए। जो सस्पेंशन है थोड़े से नीचे मेरे को लग रहे हैं, इस वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी कम मेरे को दिखाई दे रही है। अभी दोनों को मैं पीछे से भी एक बार कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे के सस्पेंशन इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो यार, इसीलिए ये कार को आप पानी पे चलाओ, कीचड़ में चलाओ, एकदम तगड़े तरीके से चल जाती है। इनको उठाते
उठाते मेरी हालत खराब होने लगी है। पीछे के सस्पेंशन इसके भी देखो यार थोड़े से छोटे दिए गए। तो ट्रैक्सेस XRT की मैं आपको चैसिस भी दिखा देता हूँ। कंप्लीटली प्लास्टिक की चैसिस इसके अंदर दी गई है, पर ये बहुत ज्यादा टफ होती है यार। यहाँ पे देखो इस तरह की स्किड प्लेट भी दी गई है ताकि इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे भी स्किड प्लेट है, सामने की तरफ भी एक स्किड प्लेट दी गई है। यहाँ पे इसके अंदर भी सेम उसी तरह की चैसिस देखने को मिल जाती है। तो ये रहे इन दोनों के रिमोट कंट्रोलर्स, एग्जैक्टली सेम रिमोट दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। ये दोनों को एक के ऊपर एक रख के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यार एकदम दानव लग रहे हैं दोनों के दोनों। भाई साहब इतनी खतरनाक आरसी कार्स मैंने तो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखा था। आप सोचो गाइस इन दोनों के बीच में अगर हम फाइट कराएंगे तो भाई इतना ज्यादा हंगामा होगा। आज की वीडियो सिर्फ पार्ट वन है, अनबॉक्सिंग ही मैंने सिर्फ करके आपको दिखाई है। तो नेक्स्ट पार्ट टू में यार मैं इसको पूरी तरीके से आपको चला के भी बताने वाला हूं और दूसरी कार्स के साथ इसकी फाइट भी करा के बताने वाला हूं। देखते हैं इसके अंदर ट्रैक्सेस XMAX जितनी ही पावर है या फिर नहीं। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है रोहन राजा राय, अखिलेश, अरहम, देवराज, कौशिक, प्रनीशु, विराट, शुभशीष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।